तो दोस्तों आज निकल कर ये सबसे बड़ी खबर, तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। आज योग दिवस है। योग दिवस के इस अवसर पर हमारे साथ मौजूद है वरुण नौटियाल जी। वरुण जी एक योगा टीचर हैं। आइए वरुण जी से ही जानते हैं योग के विषय में। वरुण जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून को योग दिवस है और आप भी योगा टीचर हैं, योग से बहुत समय से, कितने समय से आप योगा से जुड़े हुए हैं? मैम, मैं मतलब 13-14 साल से योगा प्रैक्टिशनर हूं और पिछले 8 साल से मैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में सिखा चुका हूँ। अच्छा, आप योगा से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। आपने कहा कि गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री वगैरह से आप कब से जुड़े हुए हैं? मैम 2013-14 से। कौन से मिनिस्ट्री से? हमारे साथ अपने विचार साझा करना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से जुड़ा। सो वहां से हमें, मतलब मुरारजी देसाई से हमें काफी सारी जगह पे योगा सिखाने का, लोगों से वार्तालाप करने का, लोगों की समस्या सुनने का बहुत सारा अवसर मिला, उनकी सेवा करने का अवसर मिला योग के माध्यम से। तो ये निरंतर 2012-13 से मैं चलता आ रहा है। उसके बाद 2016-17 से मैं तिहाड़ जेल में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ भी मेरा इस समय कोलैबोरेशन चल रहा है, तो उनके साथ भी मेरे को सेवा करने का अवसर मिला है। वरुण जी, हमें बताइएगा कि योगा क्यों जरूरी है? जी देखिए मैम, आजकल बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि रामायण में भी बताया गया है कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, सब तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं। तो उन तीनों के निजात पाने के लिए योग जो है सबसे कारगर, सबसे सक्षम जो मतलब एक उपकरण है या एक विद्या है, जिसके माध्यम से मानव अपने जो भी दुख है, तकलीफ है, उसको काफी हद तक कम कर सकता है। जैसे हम समझ सकते हैं शारीरिक और मानसिक रोग हम काफी हद तक इससे कम कर सकते हैं, और ये हमारे जीवन को एक सुव्यवस्थित बनाता है, हमारे जीवन को सक्षम बनाता है, हमें पुरुषार्थ करने के लिए हमेशा, जैसे गीता में बताया गया है योगा कर्मसु कौशलम, हमें जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें कुशलता किस प्रकार से अपने कार्य को अच्छा करना है, वो हमें योग ही शिक्षा देता है। और दूसरे तरीके से गीता में बताया गया है, समत्व की बात की गई, समत्वम योग उच्चते की बात की गई, अर्थात योग जो हमें हर परिस्थिति में समत्व भाव, मतलब बैलेंस रहने के लिए सिखाता है, और योग हमें बताता है कि परिस्थिति के साथ मनस्थिति को बदले, जिससे कि हम अपने सारे जो भी तकलीफ है और जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, दर्द है, उसको हम दूर कर सकते हैं। योगा में कितने तरह के आसन हैं? मैम वैसे तो जैसे भगवान शिव जो हैं वो आदि योगी कहे गए हैं, पहले योगी कहे गए हैं, उनके अनुसार उन्होंने 84 लाख आसनों का निर्माण किया था। तो कालांतर में धीरे धीरे चीजें लुप्त होती चली गई, फिर धीरे धीरे 84 आसन आए, फिर 84 आसन में से फिर 32 आसन को लिया गया, फिर धीरे धीरे 32 में से 4 मुख्य आसन को लिया गया। तो बेसिकली जो 4 मुख्य आसन है, जैसे एक हट प्रदीपिका में भी एक श्लोक कहा गया है कि सिद्धम पदम तथा भद्रम चैति चतुष्टयम, अर्थात 4 प्रकार के जो आसन है, सिद्धासन, भद्रासन, पद्मासन और सुखासन, ये जो 4 प्रकार के आसन है, मानव अगर इनको भी कर लेता है तो वो काफी हद तक अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कर सकता है। वरुण जी एक बात बताइए, आजकल आप जानते ही हैं कि COVID-19 का कितना प्रकोप चल रहा है हमारे देश में, तो COVID-19 में इम्यून सिस्टम की बहुत ज्यादा बात की जा रही है, योग किस प्रकार से इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, दुरुस्त करने में सहायक है? जी मैम, जैसे कि योग के अंदर सूर्य नमस्कार है, ये हमारी बॉडी को हील करता है, हमारी बॉडी के अंदर ऊष्मा लाता है। दूसरी बात, ये हमारे जितने भी हमारे शरीर के जो नाड़ियां हैं, योग के अनुसार 72,000 नाड़ियां बताई गई है हमारे शरीर के अंदर, वेन्स कह सकते हैं आप इनको, ब्लड वेसल्स कह सकते हैं, ये 72,000 बताई गई है। तो होता क्या है कि जैसे अब ये कोरोना ही रोग है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारे लंग्स हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, उनके अंदर म्यूकस भर जा रहा है, उनके अंदर अवरोध आ जा रहा है हमारी नाड़ियों के अंदर, वेसल्स के अंदर। तो योग के माध्यम से हम अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं, और साथ में वेसल्स को अच्छा करेंगे, वेसल्स खुलेंगे, हमारी नाड़ियां खुलेंगी, तो हमारे इम्यून सिस्टम भी इससे काफी हद तक मजबूत होगा। और जैसे प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, ध्यान से हम अपने आप को, जैसे आजकल जो स्थिति है वो बड़ी पैनिक है, बहुत सारे लोग मतलब परेशान है, विचलित है, तो योग के माध्यम सबसे पहले हम अपने आप को शांत कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, उसके बाद ही हम किसी नतीजे पे आएंगे, हम किसी रोग को दूर कर सकते हैं,
और किसी परेशानी से हम लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले योग जो हमें शांति प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, उसके बाद धीरे धीरे हमें इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, हमारे हमारे शरीर को संवर्धन करता है, स्वास्थ्य को संवर्धन करता है। तो इस प्रकार योग जो है बड़ा कारगर है हर परिस्थिति में। अच्छा वरुण जी, आप आजकल सुन रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी कर रहे हैं, योग इसमें भी हमारे लिए बहुत सहायक है। कहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू हम बहुत कुछ कर, तो आप कुछ इस विषय में प्रकाश डालेंगे? जी मैम, इस विषय में मैम ये है कि ये जो डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, इसे संस्कृत हिंदी में विषाद या फिर अवसाद कहा गया है। तो ये मैम आज का रोग नहीं है, ये कालांतर से, ये जब रामायण महाभारत के समय से ही ये जो प्रक्रिया है, ये जो चीजें हैं, मानसिक जो विकार है, ये चले आ रहे हैं। एक प्रसंग के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता में और महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं कि आप आइए और युद्ध कीजिए, आप अधर्म के खिलाफ युद्ध कीजिए, तो उस समय आपने श्रीमद् भगवद गीता के फ्रंट पेज पे देखा होगा कि अर्जुन अपने धनुष बाण को, गांडी धनुष को छोड़ करके और इस प्रकार से बैठा हुआ है। तो ये जो स्थिति थी उनकी, और जो पहला अध्याय है गीता का, वो अर्जुन विषाद योग के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर अर्जुन को विषाद अर्थात स्ट्रेस और डिप्रेशन की शिकायत होती है। तो ये मैम ये कालांतर से चला आ रहा है, लेकिन यहाँ पे योग के जो योग गुरु है या फिर अच्छे हमारे अध्यात्म गुरु है, वो एक श्री कृष्ण भगवान की तरह ही एक उन्हीं के मतलब रंग रूप में, उन्हीं के ही मार्गदर्शन में एक अच्छे गुरु की भूमिका बना करके हम काफी हद तक इसको डिप्रेशन को और स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और मैम गीता एक एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हमें बहुत ही सुचारू रूप से और सुव्यवस्थित रूप से प्रदान करता है। तो गीता के अंदर मैम जैसे मैंने अभी दो तीन चीजें बताई, अपने कर्मों की कुशलता से हम हमेशा जो है इन सुसाइड से या डिप्रेशन स्ट्रेस से दूर रहेंगे। उसके अलावा मैम जैसे कि गीता के अंदर एक और श्लोक आता है कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जी, सुख में दुख में, मान में अपमान में, लाभ में और हानि में, जो व्यक्ति अपने आप को सुव्यवस्थित रखता है, स्थिर रखता है, वही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य है और वही वास्तव में योग को समझ पाता है और योग को कर पाता है। इसलिए मैम योग हमें निरंतर हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करता है, पॉजिटिव करता है कि हम किस प्रकार से अपने आप को अच्छा कर सकते हैं और सोसाइटी को हम किस तरीके से पॉजिटिव कर सकते हैं। बहुत अच्छे, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आज योग दिवस के अवसर पर? मैम योग दिवस के अवसर में मैं सभी जितने भी, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि आज योग दिवस है और ये जैसे साल में हमारे सनातन धर्म में कुछ ना कुछ पर्व आते रहते हैं, होली दिवाली, इस प्रकार से योग भी एक पर्व है, इसको भी एक पर्व की तरह लें और इसको सिर्फ ना केवल योग दिवस पे करें, मतलब अपने निरंतर जीवन में, नित्य जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें और जितना हो सकता है इसको दूसरों तक पहुंचाएं, इस योग की विद्या को दूसरों तक पहुंचाएं, उनको भी स्वस्थ करें, खुद को भी स्वस्थ करें, तभी स्वस्थ भारत होगा और तभी मतलब एक भारत दोबारा से योग गुरु और मतलब विश्व गुरु के रूप में उभर के आएगा। धन्यवाद वरुण जी। ये थी योग दिवस के अवसर पर HMTV लाइव के लिए नीरज पांडे की रिपोर्ट।